हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बायोडर्मा फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड टिंटेड सनस्क्रीन। नो, ये वो सनस्क्रीन है जो मेरी डर्मैट ने मुझे आई थिंक 2 साल पहले सजेस्ट करी थी, बिकॉज मैंने उनको बताया था कि मेरे पे जो फाउंडेशंस हैं, अगर मैं मेकअप करती हूँ तो वो मेरे पे सूट नहीं करता है, तो कोई अच्छी सी एक टिंटेड सनस्क्रीन बताओ जो मैं यूज़ कर पाऊँ फॉर माई लाइक वीडियो शूट एंड ऑल। देन दिस वॉज अ सनस्क्रीन जो उन्होंने मुझे रिकमेंड करी थी, एंड आई एम इन द शेड क्लियर लाइट, एंड ये मैंने उस टाइम पे भी काफ़ी यूज़ करी थी, और ये दूसरा मेरा परचेज था जो मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन मार्च 2025। तो मैंने अभी इसको खोल दिया है एंड करंटली इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। आज भी मैंने मेकअप इसी से किया है, लाइक आई हैवंट अप्लाइड एनी फाउंडेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सनस्क्रीन एवरीथिंग, एंड लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर कैसा फील होता है, स्किन पहले कैसी थी, इसको लगाने के बाद कैसी फील हुई है, एंड एवरीथिंग। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आती है जिसपे सारा इन्फॉर्मेशन मैंशन है। दैट्स द इनसाइड ट्यूब पैकेजिंग। दिस में रिटेल फॉर 1675 रुपीज, लाइक 1700 रुपीज फॉर जस्ट 40 ml ऑफ द प्रोडक्ट। ऑफकोर्स ऑन एक एक्सपेंसिव साइट पे ही है ये, बट दिस वन हैज़ SPF 50+ एंड PA यहाँ पे है 4+। UVA UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट कर रही है, वेरी हाई प्रोटेक्शन ये क्लेम कर रहे हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है, मॉइस्चराइजिंग है, अल्ट्रा लाइट टेक्स्चर है एंड ड्राई टच फील है इसकी। मल्टी रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है ये, जिसमें यहाँ पे इन्होंने ना फ्रेंच में लिखा हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हीट, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, वाटर सबसे रेजिस्टेंट है ये सनस्क्रीन, लाइक स्वेट एंड ऑल सबसे, एंड आईज के लिए भी ये ठीक रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आई बनी हुई है और आगे टॉलरेंस लिखा हुआ है। सो आई थिंक इट्स सेफ फॉर सेंसिटिव आईज एज वेल। बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बट वो फ्रेंच में लिखी हुई है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप वाटर है, और उसके बीच में काफ़ी सारे इसके अंदर केमिकल फिल्टर्स डले हुए हैं। इसमें आपको ग्लिसरीन मिल जाएगी, सिलिकॉन्स मिल जाएंगे, देन ह्यूमेक्टेंट्स मिल जाएंगे, एंड देन इसमें डले हुए हैं कलर्स, जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कलर इसमें डला हुआ है, आयरन ऑक्साइड्स के इसके अंदर 3-4 कलर्स डले हुए हैं, मोर ह्यूमेक्टेंट्स, मोर डायोल्स, प्लांट शुगर्स डली हुई हैं, सिट्रिक एसिड है फॉर पीएच एडजस्टमेंट, गम है, एक शुगर है, ग्लाइकॉल है, विटामिन ई है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डला हुआ है। लाइक इसमें 4-5 तरह के जो टिंट्स हैं वो डले हुए हैं ऑक्साइड्स के। सो देखो, जो बेसिकली जो टिंट्स होते हैं ना, वो भी आपको एक तरह की प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक तो आप बोल सकते हो कि ये हाइब्रिड सनस्क्रीन जैसी ही आपको प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि इसमें जो फिजिकल जो ऑक्साइड्स हैं उनके टिंट्स डले हुए हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ गुड, अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, कोई ऑयल इसके अंदर नहीं है, विच इज़ अ प्लस। अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो, कॉमेडॉन प्रोन हो लाइक मी, तो दिस वन इज़ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी वेरी लाइट फ्लूइड लाइक टेक्सचर, बिल्कुल वाटरी सा टेक्सचर है, और ये इंस्टेंटली सिंक इन हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी शेयर कवरेज आपको ये देती है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कैसा लग रहा है डेमो में। सो ओवरऑल सनस्क्रीन ये काफ़ी अच्छी है, बट आप ऐसे बोलो कि ये फाउंडेशन वाला काम करे तो वो तो ये नहीं करेगी ऑफकोर्स, बिकॉज इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन। तो बहुत हल्की सी माइल्ड कवरेज आपको देती है, लाइक जैसे मेरे यहाँ पे चिन पे बड़े बड़े एक्ने के मार्क्स थे, तो वो इसने हाइड नहीं किए, तो उस पर मुझे अभी जैसे आप देख सकते हो उतने विजिबल नहीं है, बिकॉज मैंने हल्का सा यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लगा के उसको करेक्ट किया है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स हैं तो जहाँ जहाँ पे मार्क्स हैं वहाँ पे आप उसको कलर करेक्ट कर सकते हो विद अ करेक्टर, लाइक इधर अ पीच करेक्टर, डिपेंडिंग ऑन आपके कलर क्या है एक्ने का, तो आप पीएच करेक्टर से उसको करेक्ट करके एंड देन यू कैन अप्लाई दिस वन। तो पहले मैं ऐसे ही यूज़ करती थी, बट जस्ट बिकॉज फॉर द डेमो मैंने इसको डायरेक्ट ही स्किन पे लगाया है, वरना पहले जो मैं यूज़ करती थी कि जैसे अपना अंडर आईज पे मैं अपना कंसील अपना करेक्टर लगाती थी, ऑरेंज करेक्टर, और जहाँ जहाँ कहीं पे मार्क्स हैं वहाँ पे करेक्टर लगा के देन आई अप्लाई दिस सनस्क्रीन। तो बहुत ही प्यारा एक यू नो मेकअप वाली ही फीलिंग आपको आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा ड्यूई सा ही फेस ये दे रही है, एंड बस मैंने अपना आईब्रो सेट किए हैं, लिपस्टिक लगाई है, आई मेकअप में मैंने बस मस्कारा लगाया है एंड थोड़ा सा शेडो लगाया है,
दैट इज इट. तो बहुत ही प्यारी सी फिनिश है. एंड अगर आप मेकअप सूट नहीं करता है, यू कैन मेक इट वर्क विद दिस. एंड वन आप एक करेक्टर ले सकते हो, पीच करेक्टर, तो दिस विल बी, देन यू विल बी सॉर्टेड. इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन, बट येस थोड़ी सी महंगी है. बट अगर आप कॉमेडॉन स्किन वाले हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वाले हो, मेकअप सूट नहीं करता है, फाउंडेशन सूट नहीं करती है आपके फेस पे, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वो यू नो फाउंडेशन वाला ऐसे बिल्डअप अच्छा नहीं लगता, ऐसे आर्टिफिशियल सा फेस अच्छा नहीं लगता, यू वॉन्ट अ नेचुरल वाला फील, देन आई थिंक दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर यू. आप नीचे कोई भी एक अपनी सनस्क्रीन लगा के देन आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लगा सकते हो. जैसे अभी भी जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, तो उससे पहले मैंने एक अपनी जो सनस्क्रीन है वो उसका एक लेयर नीचे ऑलरेडी था, उसके ऊपर से मैंने इसको एज अ मेकअप यूज़ किया है. तो दैट्स हाउ आप एक डबल प्रोटेक्शन ले लेते हो बाय यूजिंग टू सनस्क्रीन, तो ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है. ये मैंने गोवा में भी यूज़ करी थी, जब हम 2 साल पहले गोवा गए थे उस टाइम पे मैंने यही वहाँ पे यूज़ करी थी इंस्टेड ऑफ एनी फाउंडेशन एंड एवरीथिंग. आप यहाँ की वीडियो दे दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कैसा मेकअप फील हुआ था. पूरा फुल फेस मेकअप मैंने किया था इसके साथ. So it's a beautiful sunscreen. I will highly recommend this one for close comedon prone and very very sensitive skin. Beautiful, would love to repurchase again जब भी मुझे इस पर अच्छी ऑफ मिलेगी. That's it guys, that's all about my experience on this sunscreen. I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. Bye bye.